हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिल अग्रवाल हूं। मैं एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जीआई कैंसर सर्जन हूं। आज हम यहां पे कोलॉन कैंसर के बारे में बात करेंगे। कोलॉन यानी कि बड़ी आंत, ये हमारी आंत का आखिरी हिस्सा है, द लास्ट पार्ट, और इसमें कैंसर बहुत कॉमन बीमारी है। कैंसर जो होता है कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती हैं और वो कैंसर बन जाती हैं। ये जो कैंसर हैं पहले पॉलिप से बनते हैं कोलॉन में। पॉलिप अगेन कोशिकाओं का एक छोटा गुच्छा होता है जिसमें कैंसरस चेंजेस नहीं आए होते हैं। अब आपको कोलॉन कैंसर है या नहीं है ये जानने के लिए आपको कोलॉन कैंसर के लक्षणों को समझना पड़ेगा। जो कोलॉन कैंसर के लक्षण यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं, अगर आपकी बॉवल हैबिट्स हैं, जो आपके टॉयलेट जाने की हैबिट्स हैं, उसमें अगर कोई बदलाव आ गया है, आपको अगर डायरिया हो रहा है बार बार, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपके मोशन में ब्लड आ रहा है, या आपको मलद्वार के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है यानी अगर आपका वजन बिना कोशिश किए हुए कम हो रहा है, अगर आपको अनीमिया की बीमारी है यानी आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आपको थकान महसूस होती है काम करके, आप थक जाते हैं दिन के अंत तक, आपको लगातार पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये कोलॉन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो फिर आपकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं हैं। लेकिन किसी को कोलॉन कैंसर क्यों होता है, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? रिस्क फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी बीमारी के लिए हमारे संभावना प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है। तो जो कोलॉन कैंसर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, वो है अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलॉन कैंसर है यानी अगर आपकी फैमिली में जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको पहले कभी कोलॉन कैंसर हुआ है तो आपको कोलॉन कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। अगर आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है, आप ओबीज हैं, और जो एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर्स है वो ओल्ड एज, जो जितने भी मोस्टली पेट के कैंसर हैं वो एक ओल्ड एज की बीमारी है। सो अगर आपका जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। कुछ पेट की बीमारियां होती हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि पेट में अल्सर्स बन जाते हैं, वो भी हमारे कोलॉन कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो फिर हमें डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो जो सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में एक पतली लंबी ट्यूब होती है जिसके एंड पे कैमरा होता है और उस ट्यूब द्वारा हम आपकी बड़ी आंत को अंदर से देखते हैं, और अगर हमें उसमें कोई सस्पिशियस लीजन या गांठ दिखाई देती है तो हम फिर उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है एक गांठ के छोटे से टुकड़े को जांच के लिए ले लेना, फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और फिर ये डायग्नोसिस का कंफर्मेशन होता है कि ये कोलॉन कैंसर है या नहीं है। अगर कोलॉन कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो फिर हमें उसको स्टेज करना होता है। स्टेजिंग का मतलब होता है हम एग्जैक्टली ये जानते हैं कि कैंसर एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँचा है। दो चीज़ें देखनी होती है उसमें, एक तो उस कैंसर का लोकल एक्सटेंट कितना है यानी वो अपनी ही जगह पे कितना बड़ा है, दूसरा उसका डिस्टेंट एक्सटेंट कितना है, मतलब वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और तो नहीं गया है। इन चीज़ों की जानकारी हम एक सीटी स्कैन और कभी ज़रूरत पड़ने पर पेट स्कैन द्वारा चलाते हैं। अगर वक्त पे अगर पता चल जाए कि आपको कैंसर की बीमारी है और सही टाइम पे हम इसको पकड़ पाएँ तो फिर इसका इलाज संभव है। इसके इलाज के लिए हमें कैंसर को ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ता है। तो जो पार्ट ऑफ कोलॉन में कैंसर होता है उसको हम निकालते हैं, उसके आसपास की ग्रंथियां जिसको कि हम लिम्फ नोड्स कहते हैं उसे भी निकालना होता है, और फिर उसके आगे और पीछे की आंत को जोड़ दिया जाता है। पहले यह ऑपरेशन बड़े चीरों द्वारा होता था, अब हम इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं जिसमें कि छोटे छोटे छेद करके हमारे पेट पे ये ऑपरेशन किया जा सकता है। इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, आप जल्दी काम पे जा सकते हैं, ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, और मॉर्बिडिटी भी जो ऑपरेशन के रिस्क होते हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं।
अगर आपके कोलोन कैंसर की स्टेज थोड़ी एडवांस है तो आपको कीमोथेरेपी देनी होती है ताकि इस कैंसर का आगे होने का रिस्क और कम हो जाए। इस प्रकार इस कैंसर का सही वक्त पे अगर हम इसको डायग्नोस कर पाएँ और सही वक्त पे हम इसको स्टेज कर पाएँ तो ये एक क्यूरेबल बीमारी है। अब हम ये जानेंगे कि बीमारियों से कैसे बचें। कैंसर और अन्य प्रकार की बीमारियां जो कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ डाइट, हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अच्छी डाइट का मतलब होता है कि हमारी डाइट में जंक फूड नहीं होना चाहिए, जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, जो चीज़ पैकेट में आती है वो चीज़ हमें कम से कम खानी है, शुगर कम से कम लेनी है, फैट की मात्रा कम करनी है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स नेचुरल चीज़ें जो हैं उनकी मात्रा बढ़ानी है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन्स हमें ज़्यादा खाने हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। आज हमारी ज़िंदगी बहुत बिजी हो गई है, हम भागते दौड़ते रहते हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, बट अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा तो कुछ चीज़ कोई काम नहीं आएगी। सो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट सुबह शाम लंबे समय के लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जिस पे हम आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो है स्लीप। एक एडल्ट के लिए 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सो अगर हम इन चीज़ों को करें तो हम किसी भी बीमारी के इंक्लूडिंग कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स को काफ़ी कम कर सकते हैं।